हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ए लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड पंडित नेहरू लाइक द चिल्ड्रन टू डू। पंडित नेहरू बच्चों से क्या कराना चाहते थे। आंसर, आवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इन इट्सेल्फ, देयर आर एंडलेस टाइप ऑफ प्लेसेस फॉर द चिल्ड्रन टू डिस्कवर। नेहरू जी लाइक्ड टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, देयर माइंड्स वेयर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी। ही लाइक्ड टू गो विद देम टू द माउंटेन फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स। ही लाइक्ड चिल्ड्रन टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ दैट दे कुड प्ले अबाउट इन द स्नो एंड आल्सो सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ही लाइक्ड द चिल्ड्रन टू मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, देयर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम, दे शुड नॉट डिसलाइक देम एज द चिल्ड्रन डिड टू अदर्स, दे वुड बी डन बाई इन द सेम वे, दे शुड नॉट बी फूलिश इनफ टू फाइट ईच अदर। उत्तर, हमारा देश स्वयं में एक छोटा सा संसार है, यहाँ नाना प्रकार की जगह हैं जो बच्चों को देखनी हैं। नेहरू जी प्रसन्न छोटे बच्चों के साथ उन जगहों पर जाना चाहते हैं। उनके मस्तिष्क आश्चर्य तथा जिज्ञासा से खुल रहे थे। वे चाहते थे उनके साथ पर्वतों, जंगलों और विशाल नदियों पर जाएं। वे चाहते थे कि बच्चे स्वयं खोज करें कि भारत के कुछ भागों में वे बर्फ पर खेल सकते हैं और उष्णकटिबंधीय वन देख सकते हैं। वे चाहते थे कि बच्चे अन्य लोगों से मित्रवत मिलें। उनको अन्य लोगों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें अन्य लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसा बच्चे दूसरों के प्रति करेंगे, अन्य लोग भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। वे इतने मूर्ख नहीं होने चाहिए कि आपस में लड़ने लगें। क्वेश्चन 5, वेयर डिड पंडित नेहरू लाइक टू गो विद द चिल्ड्रन। पंडित नेहरू बच्चों के साथ कहाँ जाना चाहते थे। इंट्रोडक्शन, पंडित नेहरू राइट्स इन हिज लेटर टू द चिल्ड्रन अबाउट एडवेंचर, वॉन्डर एंड डिस्कवरी। वेयर हेडिंग है, पंडित नेहरू सेज दैट ही हैड ट्रेवल्ड ए ग्रेट डील इन द कंट्री, नाउ ही हैज ग्रोन इन ईयर्स, ही विशेस ही हैड मोर टाइम सो दैट ही कुड विजिट ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ही वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ यंग चिल्ड्रन, देयर माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी। ही वुड लाइक टू गो विद देम टू द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स एंड द ओल्ड माउंटेन। ऑल दीज थिंग्स टेल्स अस ऑफ समथिंग ऑफ इंडियाज स्टोरी। कंक्लूजन, पंडित नेहरू वॉन्ट्स टू इन्फ्लुएंस द स्पिरिट इन द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू अंडरटेक जर्नी टू द अबव प्लेसेस एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स देयर। प्रस्तावना, पंडित नेहरू अपने पत्र में बच्चों को साहस, आश्चर्य तथा खोज के विषय में लिखते हैं। कहाँ, पंडित नेहरू कहते हैं कि वह देश में बहुत घूमे हैं, अब वह वृद्ध हो गए। उनकी इच्छा है कि उन्हें और अधिक समय मिले जिससे कि वह भारत के कोने कोने को देख सकें। वह कहते हैं कि जो छोटे बच्चों के साथ वहां जाना चाहेंगे, उनके मस्तिष्क आश्चर्य तथा जिज्ञासा से विकसित हो रहे हैं। वह बच्चों के साथ पर्वतों, वनों, विशाल नदियों तथा प्राचीन पर्वतों पर जाना चाहेंगे। ये सब चीज़ें हमें भारत की कहानी के बारे में कुछ बातें बतलाती हैं। उपसंहार, पंडित नेहरू भारत के बच्चों में वह भावना फूंक देना चाहते हैं जिससे वे उपयुक्त स्थानों की यात्रा करें और वहां नई चीज़ों की खोज करें। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड ही सेंड द टू द चिल्ड्रन ऑफ जापान, व्हाई हाउ। पंडित नेहरू ने जापान के बच्चों के लिए क्या भेजा, क्यों, कैसे। इंट्रोडक्शन, पंडित नेहरू लव्ड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एज वेल एज दोज ऑफ द अदर कंट्रीज, ही आल्सो लव्ड द चिल्ड्रन ऑफ जापान एंड एलिफेंट। पंडित नेहरू सेंट ए ब्यूटीफुल एलिफेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ जापान ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, व्हाई। पंडित नेहरू रोट दिस लेटर इन नवंबर 1958, ही सेज सम मंथ्स एगो द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोट टू हिम ए लेटर, दे आस्क्ड हिम टू सेंड देम एन elephant, he therefore sent them an elephant. How, this elephant came from Mysore, the elephant traveled all the way by sea to Japan. Conclusion, when the elephant reached Tokyo, thousands of children came to see it. Many of them had never seen an elephant.
प्रस्तावना। पंडित नेहरू भारत के बच्चों तथा अन्य देशों के बच्चों को प्रेम करते थे। वे जापान के बच्चों को भी प्रेम करते थे। हाथी। पंडित नेहरू ने जापान के बच्चों के पास भारत के बच्चों की ओर से एक सुंदर हाथी भेजा। क्यों? पंडित नेहरू ने यह पत्र नवंबर 1958 में लिखा था। वह कहते हैं, कुछ महीने पूर्व जापान के बच्चों ने उनको एक पत्र भेजा। उन्होंने पंडित नेहरू से हाथी भेजने के लिए कहा, अतः पंडित नेहरू ने उनके लिए हाथी भेजा। कैसे? यह हाथी मैसूर से लाया गया था। उस हाथी ने जापान तक समुद्री मार्ग द्वारा यात्रा की। उपसंहार। जब वह हाथी टोक्यो पहुंचा, हजारों बच्चे उसको देखने के लिए आए। उनमें से बहुत से बच्चों ने कभी हाथी देखा ही नहीं था। क्वेश्चन 7। द वर्ल्ड इट्सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर। डिस्कस। यह संसार स्वयं में ही परियों की महानतम कहानी और साहस की गाथा है, विवेचना कीजिए। इंट्रोडक्शन। द चिल्ड्रन आर टोल्ड फेरी टेल्स, दे आर सरप्राइज टू हियर देम। द टेल्स इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, दे डिस्कवर न्यू थिंग्स इन देम। द वर्ल्ड इट्सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, इट इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ एडवेंचर। द वर्ल्ड इज वेरी वाइड, इट इफ वी ट्रेवल इन द वर्ल्ड वी शैल सी वंडरफुल थिंग्स। वी लिव इन इंडिया, अवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इन इट्सेल्फ, देयर आर वेरियस प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर। पंडित नेहरू, हु ट्रेवल्ड ए ग्रेट डील इन द कंट्री, हैड नॉट सीन ए नंबर ऑफ प्लेसेस, माउंटेन्स एंड रिवर्स। वैन वी टॉक टू द वर्ल्ड, परहैप्स वी हैव नो नेम हु हैज विजिटेड इट थ्रॉली। Conclusion. Only we must have eyes to see and ears to hear and a mind that opens out of the life and beauty of the world. प्रस्तावना। बच्चों को परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वे उन्हें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। परियों की कहानियाँ बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाती हैं, बच्चे उन कहानियों में नई नई बातें खोजते हैं। संसार स्वयं परियों की महान कहानी है, वह साहस की महानतम गाथा है। संसार बहुत विस्तृत है, यदि हम संसार में घूमें तो हम आश्चर्यचकित वस्तुएं देखेंगे। हम भारत में रहते हैं, हमारा देश अपने में एक छोटा सा संसार है, वहाँ बहुत से स्थान हैं जो हमें देखने हैं। पंडित नेहरू जो देश में बहुत अधिक घूमे हैं, उन्होंने भी बहुत से स्थान, पर्वत तथा नदियों नहीं देखे हैं। जब हम संसार की बातें करते हैं, शायद हमारे सामने कोई ऐसा नाम नहीं आता जिसने संसार को पूरी तरह से देखा हो। उपसंहार। संसार का जीवन तथा सौंदर्य देखने के लिए हमें केवल आँखें, सुनने के लिए कान और समझने के लिए मस्तिष्क चाहिए। क्वेश्चन 8। वाई डज पंडित नेहरू से आवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इन इट्सेल्फ। पंडित नेहरू क्यों कहते हैं कि हमारा देश अपने में से एक छोटा सा संसार है। इंट्रोडक्शन। आवर कंट्री इज वेरी वाइड एंड वास्ट, इट स्प्रेड फ्रॉम द हिमालयस टू कन्याकुमारी। देयर इज स्नो ऑन द माउंटेन्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेराइटी। इट हैज ब्यूटिफुल प्लेन्स एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर हाई लैंड्स एंड डिजर्ट्स। देयर आर लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स। वी सी डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द कंट्री। देयर आर ब्यूटिफुल ट्रीज, हिल साइड्स एंड फ्लावर्स दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस। कंक्लूजन। पंडित नेहरू राइटली सेज दैट आवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इट इन इट्सेल्फ। प्रस्तावना। हमारा देश बहुत विस्तृत तथा विशाल है, वह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं, दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय वन हैं। विविधता। देश में सुंदर मैदान है और उसके विपरीत पठार तथा मरुस्थल हैं। देश में बड़ी और छोटी नदियां हैं, यहाँ विभिन्न जलवायु देखी जाती है। हमारे देश में सुंदर वृक्ष, पर्वतीय ढाल और पुष्प हैं जो बदलते हुए मौसम में सौंदर्य बढ़ाते हैं और हमें जीवन तथा आकर्षण प्रदान करते हैं। उपसंहार। पंडित नेहरू बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारा देश अपने में एक छोटा सा संसार है। क्वेश्चन 9। व्हाट डज पंडित नेहरू होप एंड विश फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू भारत के बच्चों से क्या आशा करते हैं और भी उनसे क्या इच्छा रख करते हैं। आंसर। पंडित नेहरू लव्स द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया वेरी मच, ही होप्स दैट एंड विशेस फ्रॉम देम एज फॉलोज। फर्स्ट, दे शुड कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। सेकेंड, दे शुड बिकम मोर सेंसिबल। दे शुड ओपन देयर आईज एंड ईयर्स टू द ब्यूटी एंड लाइफ दैट सराउंड देम। थर्ड, दे शुड गो टू नेचर अफेक्शनेटली एंड फ्रेंडली। फॉर वैन चिल्ड्रेन ग्रो अप, दे शुड गो टू द अदर कंट्रीज एज फ्रेंड्स। फिफ्थ, इफ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, दे आल्सो बिकम फ्रेंडली। इफ वी आर
afraid of them, or if we show our dislike to them, they behave in the same manner. These are simple truths which the world has known for ages. The children should understand these simple truths. The children should be wiser. He hopes the children who read this letter will be more sensible. पंडित नेहरू भारत के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. वह उनसे निम्नलिखित आशाएँ इच्छाएँ रखते हैं. फर्स्ट, उन्हें प्रकृति के संपर्क में आना चाहिए. सेकंड, उन्हें और अधिक समझदार होना चाहिए. उन्हें अपने चारों ओर की सुंदरता तथा जीवन के प्रति अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए. थर्ड, उन्हें प्रकृति के पास प्रेम पूर्वक तथा मित्र भावना से जाना चाहिए. फोर्थ, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें दूसरे देशों से मित्रवत जाना चाहिए. फिफ्थ, यदि हम अन्य लोगों से मित्र भावना से मिलते हैं तो वे भी मित्र बन जाएंगे. यदि हम उनसे भयभीत हैं अथवा हम उनके प्रति अपनी घृणा दिखाते हैं तो वे भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे. ये साधारण सच्चाइयाँ हैं जिनको संसार युगों से जानता आया है. बच्चों को ये साधारण सच्चाइयाँ समझनी चाहिए. बच्चों को और अधिक बुद्धिमान होना चाहिए. वे आशा करते हैं कि जो बच्चे इस पत्र को पढ़ेंगे वे और अधिक समझदार होंगे. क्वेश्चन 10, वाई डेड चिल्ड्रेन कॉल पंडित नेहरू चाचा नेहरू. बच्चे पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहते थे. इंट्रोडक्शन, पंडित नेहरू लव्ड द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया वेरी मच. ही लाइक्ड बीइंग विद देम एंड टॉकिंग टू देम. ही लाइक्ड प्लेइंग विद देम. व्हेन ही वाज विद द चिल्ड्रेन ही थॉट इफ हिमसेल्फ एज ए चाइल्ड, चिल्ड्रेन एज फ्रेंड्स. व्हेन पंडित नेहरू वेंट टू द अदर कंट्रीज ही इजीली मेड friends with the children there. Whenever he had the chance he played with them a little. When the children of Japan wrote to him and asked to send them an elephant, he fulfilled their wish and sent an elephant to Japan. Children's Day, he celebrated his birthday as Children's Day. Children celebrate 14th November as Children's Day. On this day number less children would flock to his residence and felt happy and merry. Conclusion, his love for children made them call Chacha Nehru. प्रस्तावना, चाचा नेहरू भारत के बच्चों को बहुत स्नेह करते थे. वह बच्चों के साथ रहना पसंद करते थे. वह बच्चों से बातें करना पसंद करते थे. वह उनके साथ खेलना पसंद करते थे. जब वह बच्चों के साथ होते थे तो वह स्वयं को बच्चा समझते थे. मित्र के रूप में बच्चे पंडित नेहरू अन्य देशों में जाते थे तो वह वहाँ बच्चों से आसानी से मित्रता कर लेते थे. जब कभी उन्हें अवसर मिलता था तो वह थोड़ी देर उनके साथ खेलते थे. जब जापान के बच्चों ने उनको पत्र लिखा और एक हाथी उनके पास भेजने के लिए कहा तो पंडित जी ने उनकी इच्छा पूरी की और एक हाथी जापान भेजा. बाल दिवस, वह अपना जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाते थे. बच्चे 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन असंख्य बच्चे उनके निवास पर आते थे और प्रसन्नता खुश होते थे. उपसंहार, इनका बच्चों के प्रति प्रेम उन्हें पंडित नेहरू को चाचा नेहरू कहने के लिए प्रेरणा देता था. थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.